बल्कि पूरे भारत में मुस्लिम समाज की हालत बहुत पिछड़ी हुई है। मुस्लिम समाज की आर्थिक परिस्थिति खराब होने के कारण उनको ना अच्छी तालीम मिल पाती है और ना ही अच्छी नौकरी मिल पाती है। इसलिए हमने बार बार महाराष्ट्र सरकार से ये निवेदन किया है कि मुस्लिम समाज को नौकरियों में और शिक्षण में 5% आरक्षण दिया जाए। आज तक हमारी वो मांग पूरी नहीं हुई। पिछले नागपुर में जो हिवाड़ी अधिवेशन था उसमें भी हमने मुख्यमंत्री साहब से मिलकर उनसे ये कहा था कि मुस्लिम समाज को आरक्षण दिया जाए, और आज फिर से हम ये मांगनी करते हैं। हमने देखा कि पिछले दिनों में जब मराठा क्रांति मोर्चा का आंदोलन चल रहा था उस वक्त पूरे महाराष्ट्र में मुस्लिम समाज ने हमारे मराठा भाइयों का साथ दिया है, और आज जब हम ये आंदोलन करेंगे तो पूरे मराठा भाई हमारा साथ देंगे, और अगर हमारी मांगनी पूरी नहीं होती है तो हम पूरे राज्य लेवल पर राज्य स्तर पर बहुत ही तीव्र आंदोलन छेड़ेंगे। ऐसा मैं सरकार को सूचित करना चाहता हूँ।